वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, जिवें कि तुहानू पता है कि असीं अज तुहानू बटाली पटियाला सिपाही का ट्यूटोरियल देण जा रहे हां। इहदे विच तुहानू दस्सिया जाऊगा कि दस्तार किवें सजाई जाती है ते हल्के हल्के मेन मेन टिप्स दिते जाणगे। सो लेट्स स्टार्टेड। पहला लैणा असीं अपने खब्बे हथ च फड़ के ते पिछों सेंटर चों सिर दी साइड तों लिया के अद्धी अख अद्धी गल अद्धे कन्न ते लावांगे। पहले लड़ नूं लाउण तों पहलां थोड़ा बहुत लड़ नूं सैट कर लैणा है। जिमें कि तुसी देख सकते हो कि हल्का लड़ नूं खिंच के इहनूं डबल करांगे। डबल करन दे नाल लड़ खिसकेगा नहीं। फिर इहनूं तुसी अद्धी अख अद्धी गल अद्धे कन्न ते लाउणा। मेन हाफ आई हाफ चीक हाफ ईयर। उस तो बाद खब्बे हथ नाल सपोर्ट दे के सज्जे हथ नाल सफाई करदे होया घूम जाना। तुसी घूमन दे नाल तुहाडी पूणी खराब नहीं होवेगी। खुली साइड थले होनी चाहिए है, बंद साइड उपर। घूमने तो बाद अगला लड़ तुसी लाना है। राइट हैंड नाल खिंच के टॉप तो लैके आना है। खब्बे हथ नाल खिचा रखना, सज्जे हथ नाल सफाई करनी है। साफ करांगे, अगे आके अंगूठे का पिंच लावांगे। अंगूठे का खास ध्यान रखना है कि कल्ला अंगूठा नहीं लगेगा। फ्रंट साइड तो निचली साइड तो अंगूठा, उपरली साइड तो उंगली लगनी चाहिए है, जिद नाल लड़ दी सपोर्ट बहुत वधिया बन जाएगी। खब्बे हथ नाल खिचा रखना ताकि वट बने रहन सही तरीके नाल। घूमण दा फायदा आप जी नूं पता ही है। अगे तीजा लड़ आ गया जी। तीजे लड़ नूं वी पहले लड़ दे वांग ही लाउणा, पर इहदे विच असीं अपना कन्न कवर कर देवांगे राइट साइड तों। एक उंगल दा डिस्टेंस रख के लड़ नूं थोड़ा जिहा थले लाउणा पहले लड़ दे नालों। ते कन्न कवर करके अगे फ्रंट तों आके पिंच करांगे। पिंच करने का स्टाइल तुसी ध्यान रख लेना। खब्बे हथ नाल खिचा रखना जरूरी है, जिन्ना कि वट बरकरार रहिंदे ने, डिस्टेंस बराबर। ये वट इस हिसाब नाल पैने चाहिए ने कि पग फाइनल करन तो बाद, उस तो बाद कोई भी तुहाडा लड़ जिहा प्रॉपरली दिखना नहीं चाहिए कि पहला दूजा लड़ तीजा लड़ चौथा लड़ कित्थे है। सारे वट ही शो होने चाहिए है। ये चौथा लड़ है। चौथे लड़ की खासियत होंगी इन्हें अपने नक् के सेंटर से लाना। तुम तो नक् के सेंटर से प्रॉपरली फिट करना, इनू नक् के सेंटर से प्रॉपरली फिट करना, तो अगों शेप देनी इनू चौथे लड़ के नाल, जिन्ना पटियाला से लुक दिखनी शुरू हो जाएगी। सफाई करना बहुत जरूरी है। सज्जे हथ नाल शेप भी देनी है हल्की हल्की। खब्बे हथ नाल खिचा, सज्जे हथ नाल मेनटेन करना इनू। बाद च लड़ तुम घुमा के कुछ लै आना, जो आप घूम जाओ चंगी गल है, वैसे पूरी खराब नहीं होंगी। पंजवा लड़ लाउन जा रहे हैं। पंजवें लड़ दे विच तुसीं खास ध्यान रखना है कि ये तुहाडे जिहड़ी पग की शेप प्रॉपरली बनाएगा, तो इहदा पिंच भी तुसीं खास तरीके नाल लाउणा है कि जिहड़ा प्रॉपरली सही तरीके नाल इहदी शेप मेनटेन रहे ते वट प्रॉपरली पैण। इस लड़ दे विच कई बार पूनी भी उलझ जाती हुंदी है, तां तुसीं कंट्रोल ज़्यादा बनाए रखना अपने हाथ विच। नेक्स्ट लड़ आ गया अपना छेवा लड़। खब्बे हथ नाल खिचा रखना, सज्जे हथ नाल सफाई करनी। अंगूठा लाया खिंच के पूरा, हथां दी पोजीशन नूं ध्यान नाल देख लेना जी। एक चीज़ तुहानूं होर नोटिफाई करा दिंदे हां कि जिहड़े मुंडे तुसीं पग पहलां बन्नदे हो, इह वटां वाली पग दी ट्राई उही सिर्फ करन। जिहड़े पग नहीं बन्नदे तां उह पहलां साफ सुथरी पग सिखण पटियाला शाही, जिहड़ी प्रॉपर लड़ां वाली पग हुंदी है। और साडा ट्यूटोरियल भी हैगा पटियाला शाही पग विद होल डिटेल, तो वह पग पहला सीखण, उस तो बाद वटां वाली पग तुसीं बननी ट्राई करो तो चंगी गल है। नहीं तो तुसीं स्टार्टिंग जे तुसीं यही पग बननी शुरू करती तो तुसीं साफ पग कदे भी बन नहीं पाओगे। सिर ढकण लई तुसीं सिर वाला लड़ जिहड़ा पहला लड़ सीगा उहनूं खिलार के प्रॉपरली ध्यान नाल देखना है। जिहड़ी साइड असीं सज्जे पासे रखी सी खुली वाली, वह सज्जे पासे ही रहन देनी है, तो बन साइड खब्बे पासे जिहड़ी हैगी है वह खब्बे पासे ही रहन देनी है। उस वे नाल तुसीं इहनूं दस्तार नूं मैनेज करना। तुसीं देख भी सकते हो खुला पासा सज्जे पासे है, तो बन साइड जिहड़ी हैगी खब्बे पासे है।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਟਲੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਵੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਿਛਲਾ ਲੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਗ ਦੀ ਫੂਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ 2 ਜਾਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਮਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਾਸਟ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਪੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਪੂਰੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰਬੂਜਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਟਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਪ ਪੱਗ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਟਾਂ ਦੀ ਪੱਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।